हाय एवरीवन, आई एम शेफ आयशा एंड आज मैं आपको एक बहुत ही स्पेशल रेसिपी दिखाने वाली हूँ। इट इज़ द ट्रेडिशनल पारसी रेसिपी, द पातरानी मच्छी। एज अ चाइल्ड मेरी ग्रैंडमॉम किचन में बनाती थी ये रेसिपी और मैं भाग के उनके किचन जाके आई वुड वेट टू रैप द मच्छी इन द बनाना लीफ एंड टाई द स्ट्रिंग। आई यूज टू बी सो एक्साइटेड। दिस रेसिपी इज वेरी रिच इन कैल्शियम एंड ओमेगा 3 एंड द रेसिपी इज स्टीम्ड, सो इट्स एब्सोल्युटली हेल्दी, स्पेशली अगर आप एक डाइट पे हो। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू, लेट्स गेट स्टार्टेड। ये रेसिपी के लिए हम लोग पॉम्फ्रे फिश यूज करने वाले जो बोन पे है, सो हमने उसे एक डान कट में काटा है। वी हैव नॉट फिलेटेड, सो इट इज विथ द बोन। ये बोन के साथ है ताकि वो अच्छे से उसके जूसेस और सब बहुत ही रिच टेस्ट करता है, इसीलिए इट इज ऑन द बोन। तो अभी हम मैरिनेट करेंगे इसे। हम नमक डाल के 20 मिनट के लिए रख देंगे। सो अभी इसको सॉल्ट के साथ हमने मैरिनेट किया है एंड हम उसे 20 मिनट के लिए रख देते हैं साइड पे। अब हम लोग चटनी बनाएंगे, विच इज द मेन पार्ट ऑफ द पातरानी मच्छी। द चटनी हैज टू बी स्वीट, लिटिल सॉल्टी, लिटिल सार एंड चटपटा एंड स्पाइसी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस। फॉर दिस वी नीड कोकोनट। So I have grated coconut here, dhania, garlic, green chilies. So now we'll add a little bit of sugar. Sugar always gives you that balance, you know, it balances the chutney out. Lemon juice and some salt. Thoda sa pani dalenge, isse bahut patla chutney nahi banana hai. It has to be little gaadha so that we can apply it on the fish. और इसे ब्लेंड कर देंगे। अब ये ब्लेंड हुआ है, वील एड अ लिटिल बिट ऑफ जीरा टू एनहेंस द फ्लेवर ऑफ द चटनी एंड गिव इट अ क्विक ब्लेंड अगेन। अब ये बन गई चटनी। I'm going to show you how it looks. हम एक बोल में निकाल देते हैं। There you go. It's a little thick and it's a little coarse. वो fine चटनी नहीं है and that's what we want for our fish. अब चटनी बन गया है and now we have to wrap the fish with the चटनी in banana leaves. पर बनाना लीव्स को सॉफ्ट करना होता है क्योंकि अगर मैं ऐसे ही रैप कर लेती हूँ वो फट जाएगा। सो हाउ डू यू सॉफ्टन इट? यू सॉफ्टन इट बाय पुटिंग इट ऑन हीट, लाइट हीट, ताकि वो सपल हो जाए और हम आराम से उसे रैप कर सकते हैं। सो पहले गैस ऑन कर देंगे। दो तरीके आप कर सकते हो, एक आप डायरेक्टली गैस पर रख दीजिए या इफ़ यू नॉट श्योर आप एक पैन लीजिए, पैन को गर्म कर दीजिए एंड देन यू पुट द पत्ता इन द पैन। तो इसको ऐसे रख देते हैं और आप देखोगे कि ये लीफ सपल हो रहा है तो वो ईजी हो जाता है उसे फोल्ड करने में और वो फटेगा नहीं। सारे पत्ते को ऐसे करके आप रख दीजिएगा। सो अब हमारा बनाना लीफ सॉफ्ट एंड सपल हो गया है, जैसे आप यहाँ देख सकते हो। सो इट बिकम्स ईजी फॉर अस टू फोल्ड। बिफोर वी रैप द फिश विद द चटनी, वी गोइंग टू पुट अ स्टीमर ऑन and keep the water ready and boiling. So इसे boil करने देंगे। Now we will wrap the fish. So पहले ये banana leaf ले लेते हैं। We'll put a little bit of chutney on the base. Then we'll put a piece of fish and put some more chutney. Now this chutney make sure कि पूरी fish covered है इसमें। वी वॉन्ट कि सारा यू नो चटनी फिश पे लग जाए, सो दैट इज इनफ एंड मोर फ्लेवर इन इट। ये करने के बाद लाइक यू कैन सी सारी चटनी लग गई है इस पर। नाउ वी विल रैप इट। सो वन फोल्ड हियर, वन फोल्ड हियर, ऐसे कर देते हैं एंड लाइक यू कैन सी ये बनाना लीफ फट नहीं रहा है एंड देन वी विल टाई इट अप विद अ थ्रेड। And let's quickly tie it. ऐसे सारे फिश को बांध के रख दीजिए एंड यू आर रेडी
to go and steam the fish. I like to tie nice and neat, अच्छे से ताकि जब मैं सर्व कर रही हूँ वो सुंदर सा लगे. एंड वील कीप इट असाइड. हमने सारी फिश को टाई कर लिया है एंड नाउ इट्स टाइम टू स्टीम. अभी ये फिश इज वेरी डेलिकेट सो उसे 8 to 10 मिनट्स तक आप स्टीम करिए. डोंट ओवर स्टीम इट क्योंकि वो ओवर कुक हो जाएगा. एज यू कैन सी यहाँ स्टीम आ रहा है एंड वी आर रेडी टू स्टीम आ फिश. सो वट वी गोइंग डू इज बी वेरी केयरफुल, उसे धीरे से डालिएगा. डोंट बर्न योर हैंड्स. सारी फिश को अरेंज कर दो एंड अलाउ इट टू स्टीम फॉर 8 to 10 मिनट्स. सो अब हमारी फिश रेडी हो गई है एंड वी आर गोइंग टू जस्ट प्लेट इट अप. बी केयरफुल व्हेन यू आर रिमूविंग द फिश. Smells so good, and there you go. Your fish is ready. So now we'll just open it up, and I would love to show you how the fish looks. There you go. जैसे आप देख सकते हो, हमारी पातरानी मच्छी is all ready to go. Eat it nice and hot. And I hope you love the recipe. Do try it, like, share, and subscribe to India Food Network.